क्या आप शनिदेव से परेशान हैं या फिर आपकी कुंडली में भी शनिदेव आपको असफल कर रहे हैं? क्या आपको शनि की 7.5 दशा चल रही है या शनि की 2.5 दशा का आपके ऊपर प्रभाव है? किसी भी प्रकार का शनि हो, वह अशुभ हो, आपके लिए अनिष्टकारी हो या आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा हो, एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। इस उपाय से आप शनि से जनित सभी दोषों को दूर करके और शनिदेव से शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि आप वीडियो को अंत तक देखते रहें, और मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही उपयोगी वीडियो लेकर अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री महाकाल। मैं आपका अपना मित्र रोहित तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर फिर उपलब्ध हूँ। मैं आपको बताऊँगा शनिदेव का उपाय। अगर आपके शनिदेव खराब हैं तो उसके लिए आपको एक बहुत छोटा सा उपाय करना है। आपको उपाय यह करना है, यदि शनि से बहुत ज़्यादा आपको परेशानी है तो शनिवार के दिन आपको दोपहर में एक कागज़ का लिफाफा लेना है। और लिफाफा आप समझते हैं जो पैसे वगैरह रखने के काम आता है, शादी ब्याह में पैसे देने के लिए काम आता है, या लिफाफा होना चाहिए किसी भी प्रकार का हो। एक लिफाफे में आपको 5 जलेबी के टुकड़े रखने हैं। जी हाँ, शनिवार के दिन दोपहर में एक लिफाफे में 5 जलेबी के टुकड़े आपको रखने हैं, और उस लिफाफे को ऐसी जगह पर रखना है जहां आपके घर में चींटियां रहती हों, या अधिकतर चींटियां जिस जगह पर रहती हैं उस जगह पर आपको उस लिफाफे को रखना है। उस जगह पर आप उस लिफाफे को रख दीजिए, और रखने के बाद उस लिफाफे में जैसे ही चींटियों का आगमन हो जाए, चींटियों से वह लिफाफा भर जाए या अधिक चींटियां उस लिफाफे में आ जाएं, तो आपको उस लिफाफे को उठाना है, और उठाने के बाद अपने सर से लेकर पैर तक 7 बार उतारना है और शनिदेव का ध्यान करना है। शनिदेव का संभव हो सके तो सम शनिश्चराय नमः मंत्र का आप जप कर सकते हैं। सर से लेकर पैर तक 7 बार आपको उसे उतारना है, और उतारने के बाद उसे ले जाकर किसी चौराहे पर या फिर किसी वृक्ष की जड़ में आपको उसे रख देना है। ऐसा शनिवार को आपको करना है। दोपहर को लिफाफा रखना है, और शाम के समय जो विधि मैंने आपको बताई है वह विधि आपको करनी है। जैसे ही आप इतना उपाय करेंगे, और इस उपाय को आपको कम से कम 11 शनिवार तक दोहराना है। जब यह उपाय आप 11 शनिवार तक दोहरा लेंगे तो आप 5 शनिवार के बाद ही अपने जीवन में शनिदेव के द्वारा दिए जाने वाले कष्टों से धीरे धीरे करके मुक्त हो जाएंगे, और 11वें शनिवार तक आपको 100% लाभ मिल जाएगा। आपके सारे कार्य बनने लगेंगे, सारी परेशानियां आपकी धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी। लेकिन यह उपाय आपको नियम पूर्वक करना है, क्योंकि नियम पूर्वक किया गया उपाय ही सही कार्य करता है। इसमें शंका आपको नहीं करनी है कि फ़ायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि धर्म ग्रंथ कहते हैं कि विश्वासम फलदायकम। एक विश्वास ही ऐसा शस्त्र है, एक विश्वास ही ऐसा कर्म है जो फल देने में सहायक होता है। विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल देता है। तो इसीलिए आपको विश्वास करके इस उपाय को पूर्ण करना चाहिए, और इससे आप 100% लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे ऐसे ही आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। जय महाकाल।